वीडियो पाने के लिए हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल ज़ियाई नेटवर्क बहुत अच्छे हैं और भी दुनिया में सुखवर बहुत अच्छे कहते हैं कि वालिद का है अंदाजे बयां और मौलाना अताउर रहमान साहब को गुजरते हुए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ कि जाते हुए कहते हो कयामत में मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत में मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन हो। एक बार सारा मजमा मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों उठाकर कहते या रसूल अल्लाह, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तू देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, मेरे हुजूर को एक खुद सा बोलने वाले तू उनकी जात के बारे में जानता क्या है, परोजे हश्र खुदा यू कहेगा बंदों से जो मुस्तफा को ना माने वो मानता क्या है, जो मुस्तफा को ना माने वो मानता क्या है। जज्बात का इजहार है, अगर बेकार है तो शायरी बेकार है, शेरो शायरी किसी ने क्या है खुद कहा है, जब फिक्र की आतिश में पहाड़ों पर जलता है तब जहन के पर्दों पर एक शेर उभरता है। शायरी के लिए यदि जरूरी है कि जबान से कलाम के जरिए जिस इश्को मोहब्बत का इजहार हो वो दिल में भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जबान से कह रहे हैं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना और दिल में भरा हुआ है कीना। अगर मौलाना खुर्शीद साहब किबला अगर नमाज के बारे में कहते तो आपको आ जाए पसीना। इसीलिए किसी शायर ने क्या है खुद कहा था, नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही झूम जाते हैं, कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अब इसी के साथ मेहमान शायर आजाद साहब को बारहवीं का इस्तेमाल कर ले, नारे